फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की. आज है 12 मार्च 2020. इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे. टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे. मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा. वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी. डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगे. स्पेशल नॉलेज रहेगी. स्टैटिक जो स्टेट रहेगा उसमें हम सिक्किम स्टेट को डिस्कस करेंगे. स्टैटिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं. उनके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना है. और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड जीएस के क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे जो वेरी फ्रूटफुल होंगे. तो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है. ओके, तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है. कुछ अच्छा करने के लिए आपको अच्छे विचारों की ज़रूरत है. ये बात तो एक लाइन में कही गई है, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी बात है. क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव थिंक के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा. आपके विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसको पाने के लिए आप में क्यूरियसिटी और डेस्परेटनेस होनी चाहिए, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं. ओके, वन लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या रहेंगी. पहली न्यूज़ रहेगी रक्षा से. किस बल ने नलवाड़ी ज़िले में महिलाओं के लिए स्ट्रॉन्गर यू स्ट्रॉन्गर सोसाइटी विषय पर आधारित आत्मरक्षा पर एक प्रदर्शन आयोजित किया है. तो किसने किया है? भारतीय सेना ने. भारतीय सेना ने एक थीम इनकी रही थी, स्ट्रॉन्गर यू स्ट्रॉन्गर सोसाइटी. इस पर एक आत्मरक्षा प्रदर्शन आयोजित किया था. तो ये जो भारतीय सेना है उसने आयोजित किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का SAREX 2020 अभ्यास समुद्र में आयोजित किया गया था. तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? वास्को डी गामा में आयोजित किया गया था, जो कि गोवा का सबसे बड़ा शहर है. और ये कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो 5 से 7 मार्च को इसको आयोजित किया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2014 और सितंबर 2019 अवधि के दौरान कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह कितना रहा है? तो वो रहा है 318 अरब अमेरिकी डॉलर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग का 64वां सत्र 9 मार्च 2020 को किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 5 मार्च को नया जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने नया जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स जारी कर दिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किन 4 देशों में अपने लॉजिस्टिक बेस स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका में अपने लॉजिस्टिक बेस स्थापित करने की योजना बना रहा है. ओके, किन 4 AAI द्वारा संचालित हवाई अड्डों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एरोड्रोम में चुना गया है? जिन्होंने 2019 ASQ पुरस्कार समारोह में 4 अलग अलग श्रेणियों में 10 पुरस्कार जीते हैं. तो चंडीगढ़, मैंगलुरु, त्रिवेंद्रम और लखनऊ में ये पुरस्कार समारोह हैं, जिन्होंने अलग अलग श्रेणियों में 10 पुरस्कार जीत लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के या एशिया के सबसे, एशिया की दुनिया की नहीं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो ये बन गए हैं जैक मा. अभी तक तो थे मुकेश अंबानी जी, अब इनको पछाड़ते हुए ये जैक मा बन गए हैं. और इनकी दूसरे स्थान पर आ गए हैं मुकेश अंबानी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए उप प्रबंधक निदेशक एवं वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं चालासानी बैंकेट नागेश्वरम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कामकाज के 5 दिवस का सप्ताह प्रणाली को रद्द कर दिया और घोषणा की कि केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टियां मिलेंगी? तो ये सिक्किम सरकार ने ऐसा किया है और 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभाव में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना विषाणु से के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा तैयार किया गया मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है कोवा पंजाब ऐप. इससे क्या होगा, जो भी कोरोना वायरस है उसके बारे में जितनी भी जागरूकता है इस ऐप के द्वारा आपको मिल जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने नए बाई ल्यूमिन सैंड सुरक्षा स्याही विकसित की है जो जांचते व्यक्त लाल और
हरे रंग की चमकती है। अब CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने एक तरह का पैन जो है स्याही है जिसे विकसित कर दिया। अब ये क्या होगी, जब आप कुछ जांच करेंगे तो इसमें लाल और हरे रंग की चमक दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा, जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई हैं उससे संबंधित हम सामान्य ज्ञान को डिस्कस करेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, 10 मार्च 1969 में हुई, मतलब कि 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो इसे आप सही से याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है, तो ये है दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई 11 मार्च 1891 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेक, मतलब कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई है, तो 14 सितंबर 1960 को ओपेक की स्थापना हुई, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1995 को AAI की स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई 22 नवंबर 1965 को और मुख्यालय न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़, इसकी उससे पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, और आप हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। खबरी ऐप पर आप हमें फॉलो करें और वहाँ से आप ऑडियो रिवीजन कर सकते हैं, और आपको वहाँ फॉलो भी करना है, ऑडियो रिवीजन भी करना है, आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ओके, आप टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की, उसमें पहली न्यूज़ रहेगी नारी शक्ति विजेताओं में एक राजमिस्त्री और एक शताब्दी एथलीट हैं और एक कलाकार हैं। ओके, अब वार्षिक नारी शक्ति पुरस्कार का आयोजन 8 मार्च को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर हुआ था। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में कृषि सशस्त्र बलों, शिक्षा, खेल, वन्यजीव संरक्षण इत्यादि में अपार परिश्रम और निस्वार्थ सेवाओं के लिए इस वर्ष 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस मायने रखता है संसद का लोकतांत्रिक महामहिम को बहाल करने पर। दिल्ली के भावे सांप्रदायिक दंगों के बाद विपक्ष ने इस मामले पर तत्काल चर्चा की मांग की ताकि हिंसा को रोका जा सके, लेकिन सरकार ने इस विचार को साझा नहीं किया और निर्णय लिया कि हिंसा पूरी तरह से समाप्त होने के बाद ही चर्चा शुरू होगी। इससे दोनों दलों के बीच घर्षण पैदा हुआ और विधानसभा में व्यवधान पैदा हुआ था। देखिए, जो भी वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं जहाँ पर भी CAA के विरोध में, उनको लेकर विपक्ष एक चर्चा करना चाहती थी, तो जो वर्तमान में गवर्नमेंट है उसने उस चर्चा को मना कर दिया, तो क्या हुआ, जो विधानसभा थी उसी में दंगे की पोजीशन आ गई थी। तो ये बहुत ही बेकार थी बात, मतलब अच्छी बात नहीं थी कि आप चीज़ों को सही करने के बजाय आपस में झगड़ रहे थे, तो उसके लिए ये बातें आई हुई हैं, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं रहती हैं। ओके, ये हमने न्यूज़ के नॉलेज के पर्पज़ से न्यूज़ रख दी है। नेक्स्ट है आदिवासी जो मैदान है उसमें अफवाहें। नवंबर 2018 में बंधन महोत्सव की तैयारी करते हुए पश्चिम बंगाल के झारग्राम के आदिवासियों के खारिया सावर समुदाय के 7 व्यक्तियों की 2 सप्ताह के भीतर मृत्यु हो गई। कोई शव परीक्षण नहीं किया गया था, इसलिए उनकी मौतों का कारण काफ़ी ज्ञात नहीं, केवल तपेदिक अत्यधिक पानी पीने से मृत्यु हुई, उन्हें मार डाला गया, जैसी अफवाहें ही थी। ओके, तो ये भी न्यूज़ हमने रख दी है, तो इसमें भी क्वेश्चन तो बनना मुश्किल ही है, फिर भी आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है जन्म के समय लापता, लिंग चयनात्मक पर गर्भपात और शिशु मृत्यु। आज की दुनिया में जो भी जहां बालिका के महत्व के बारे में बहुत जागरूकता है और सरकार और कई संगठनों द्वारा बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों के बारे में, भारत में अभी भी बहुत से लोग हैं जो एक लड़की होने का एहसास करते हैं, अभी भी एक बोझ, इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए वे कन्या भ्रूण हत्या के शिशु हत्या में संलग्न हैं। ओके, तो अब ये बात, ये आंकड़े ये कहते हैं कि अभी भी इतनी जागरूकता फैलाने के बाद भी लड़कियों को
भेदभाव भी सहना पड़ता है, और कन्या भ्रूण मतलब जान लिया कि पेट में बच्ची है तो उसे कन्या भ्रूण मतलब कि पेट के अंदर ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ओके नेक्स्ट, अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। 8 मार्च को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में COVID-19 के प्रसार की जांच करने के लिए विदेशी पर्यटकों को संरक्षित क्षेत्र परमिट निलंबित कर दिया है। अब कोरोना वायरस के चलते, कोरोना वायरस जो है भारत में महामारी के रूप में घोषित कर दी गई है, जितने भी वीज़ा वगैरह हैं उन्हें सबको मतलब रद्द कर दिया गया है कि आप लोग जो भी आपके सबके पास मोबाइल है, सब लोग के में एक मैसेज भी आया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी इफ़ेक्टेड कंट्रीज़ हैं कोरोना वायरस से वहाँ पर आपको विजिट नहीं करना है, मतलब वहाँ ट्रैवल नहीं करना है। ओके तो अब जो अरुणाचल प्रदेश है उन्होंने विदेशी पर्यटक जो आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में उनके पे प्रतिबंध लगा दिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल पांडा लुप्त प्राय। अब जो लाल पांडा है WWF का जो सिंबल भी होता है वो है लुप्त प्राय। अब भारत में लाल पांडा के लिए अवैध व्यापार के खतरों के आकलन और पड़ोसी श्रेणी के चुनिंदा पड़ोसी देशों की रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्य और व्यापार में वनस्पतियों और जीवों के व्यापार रिकॉर्ड विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत लाल पांडा पर अवैध शिकार और विलुप्त होने का खतरा कम हो गया था। शिकारियों में रुचि है लेकिन वे अभी भी संकटग्रस्त हैं क्योंकि वे अन्य जानवरों के लिए बिछाए गए जाल का शिकार होते रहते हैं। अब ये क्या है कि मतलब जो लाल पांडा है वैसे तो इसके शिकारी तो इसके शिकार कम करते थे पर ये संकटग्रस्त फिर भी हो गया। क्यों? क्योंकि ये अन्य जो जानवर इससे ज़्यादा पावरफुल जानवर हुआ करते थे उनके जाल में आकर इसका ही शिकार हो जाया करता था, इस वजह से जो लाल पांडा है वह लुप्तप्राय हो गया है। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। स्पेशल नॉलेज में हम यूनेस्को को डिस्कस कर लेंगे। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में कहेंगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके यूनेस्को क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म मतलब कि लघु रूप या संक्षिप्त रूप। ओके अध्यक्ष कौन है? ऑद्रे अजोले जो कि वर्तमान में है। स्थापना अगर यूनेस्को की पूछी जाए तो 4 नवंबर 1945 को, और 1946 में भारत इसका सदस्य बन गया था। हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है जो कि फ्रांस की कैपिटल है। ओके इसका उद्देश्य क्या? शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय कानून का राज्य मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बनी रहे। ओके अब बात करेंगे स्टेट की। स्टेट में हम आज डिस्कस करने वाले हैं सिक्किम को, तो सिक्किम की कैपिटल होती है गंगटोक और सबसे बड़ा शहर भी गंगटोक है। ज़िले अगर पूछ लिए जाएँ सिक्किम के तो 4 हैं, राजभाषा अंग्रेजी, भूटिया, गरुड़, लेपचा, लिंबू, मगर, मुखिया, नेपाली भाषा, राई, शेरपा और तमाड़ है। ओके अब गठन अगर पूछ ले जाए सिक्किम का कब हुआ तो 10 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन हुआ। राज्यपाल वर्तमान में गंगा प्रसाद जी हैं, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा की सीटें 32 है, राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट भी 1 ही है। ओके राजकीय पशु लाल पांडा है, राजकीय पक्षी ब्लड पेजेंट है। पर्वत अगर पूछ ले जाएँ सिक्किम के तो हिमालय, छोंकिया, सिंगलीला, चोला पर्वत, ये सभी पर्वत आपको मिल जाएंगे सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अगर पर्वत शिखर पूछा जाए तो वो है कंचनजंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 5579 मतलब कि 5579 मीटर की इसकी लंबाई है, तो ये आपको याद रखनी है। नदियाँ तीस्ता और रंजित नदी जो है सिक्किम में बहती है। अगर पार्क पूछ लिए जाए तो खांगचन जोंदा राष्ट्रीय उद्यान, गंगटोक राष्ट्रीय उद्यान, देवराली राष्ट्रीय उद्यान आपको सिक्किम के अंदर मिल जाएंगे। प्रमुख दर्रे हैं दचीला, किंगरीला, चोत्र चोर त्रेन, जो एंशमाला, नाटुला, जिलेपला, सिंगलीला, ये सभी जो दर्रे हैं वो आपको सिक्किम के अंदर मिल जाएंगे। सिक्किम को या तो सिक्किम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पूर्वोत्तर भाग में पर्वतीय राज्य है ये। अंगूठे के आकार का इसमें मैप में आता है ये, और पश्चिम बंगाल में, और यह जो राज्य पश्चिम में नेपाल से मिलती है इसकी सीमा, उत्तर पूर्व में चीनी तिब्बत और स्वायत्त क्षेत्र से, दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य
इसके दक्षिण में है। ओके, अब स्टैटिक जीके में बैंक नेम और बैंक के स्लोगन हम डिस्कस करेंगे। ये कई बार एग्जाम में आते हैं, बैंक के एग्जाम का तो ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक है तो इसकी जो स्लोगन है वो क्या है, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट इलाहाबाद बैंक की स्लोगन है। ओके, आंध्रा बैंक की स्लोगन पूछी जाए तो मच मोर टू डू विद यू इन फोकस। ओके, मच मोर टू डू विद यू इन फोकस। एक्सिस बैंक की बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक की जो स्लोगन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर पूछी जाए तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ इंडिया रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अगर स्लोगन पूछा जाए, वन फैमिली वन बैंक। बैंक ऑफ राजस्थान, टुगेदर वी प्रोस्पर। ओके, बंधन बैंक की अगर पूछ ली जाए स्लोगन तो आपका भला सबकी भलाई। कैनरा बैंक, इट्स ईजी टू चेंज फॉर दोज हु यू लव टुगेदर वी कैन। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर पूछ ली जाए स्लोगन तो वो है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस सेंट्रल बैंक टू यू सिंस 1911। ओके, कॉरपोरेशन बैंक की अगर पूछ ली जाए तो प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल सिटी। यूनियन बैंक की स्लोगन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। धनलक्ष्मी बैंक का अगर पूछ लिया जाए क्या है स्लोगन, तो तन मन धन जो है धनलक्ष्मी बैंक की स्लोगन है। फेडरल बैंक की है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। HDFC बैंक का है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ICICI बैंक की है हम है ना ख्याल आपका। ओके, तो ये स्टैटिक के पोर्शन से इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिन्हें बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है। अब एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की हम बात करेंगे। भारत की सबसे लंबी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस नामक ट्रेन चलती है जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। ये किस राज्य से, वो किस शहर से किस शहर के मध्य चलती है, तो ये डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ओके, अब ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आया, तो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया, लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है। अब पूछ लिया जाता है कभी कभी इसमें से अवसादी सेल कौन है, तो कोयला जो होता है अवसादी सेल का उदाहरण होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो कई बार आया, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला या पर्वत प्रणाली कौन सी है, तो वो अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ओके, अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन वन, भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में हुआ था, तो 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते समय। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में प्रारंभ। ओके, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान में धर्म की स्वतंत्रता कौन, स्वतंत्रता है जो कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन है संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने परसेंट है, तो वातावरण जो है एनवायरमेंट है उसमें लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाइव करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व साप्ताहिक अल हिलाल मौलाना अवल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था। अब जो उर्दू साप्ताहिक था अल हिलाल नामक उर्दू साप्ताहिक था, जैसे मैगजीन आती है हम लोगों की हिंदी में वैसे ही अल हिलाल आया करता था, तो ये किसने शुरू किया था, तो मौलाना अवल कलाम आज़ाद ने किया था। ये कौन थे, ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक GK और GS के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट BGO। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, एंड आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे डेली मोशन वेबसाइट और शेयर चैट ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और जो भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्टेड यू
तो आपको क्या करना है कि जो खवरी ऐप है वहाँ पर फॉलो भी करना है और वहाँ पर ऑडियो रिवीजन भी करना है आपको। आपकी कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, तो और आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने ख्याल के साथ अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखिए और अपने सपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। और जब तक आपको आपके सपने पूरे नहीं हो जाते हैं या जब तक आपको अपनी सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक निरंतर प्रयास करते रहिए, अच्छे विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।